गणतंत्र दिवस बालकोनगर में धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां बालको प्रबंधन के विभिन्न विभागों ने तकनीकी, आर्थिक और सामुदायिक विकास की उत्कृष्ट झांकियां निकाली। स्कूली छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। देखिए ये रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर बालकोनगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और शांति के प्रति कबूतर छोड़े। उन्होंने सलामी गारद का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। मिनीमाता स्कूल के शिक्षक श्री एएस चंदेल की देखरेख में परेड कमांडर श्री उपेंद्र राठौर और सेकेंड इन कमांड श्री दीपेश भारद्वाज ने परेड में शामिल विद्यार्थियों का नेतृत्व किया। बालको की निजी सुरक्षा कंपनियों ने भी परेड में भागीदारी की। अंजू खेतारी, इन्होंने दाहिने दो का आदेश दिया। इसके पश्चात अगली प्लाटें फिर शो सकती थी। इसकी कमान पर हाथ सामने हुए हैं एक लाइन में। अब इसके पश्चात एक साथ किसी की कर रहे कृति तिवारी ने। इसके पश्चात केंद्रीय विद्यालय इसकी कमान संभाले हुए हैं रंजीत देवल। अगले क्रम में केंद्रीय विद्यालय श्री गुप्ता ने अपने उद्बोधन में देश निर्माण में सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद करते हुए कहा कि हमें उनके मजबूत, एकजुट और समृद्ध भारत के सपने को साकार करना है। उन्होंने बालको की अनेक उपलब्धियों से बालकोनगर वासियों को अवगत कराया। साथियों, गणतंत्र दिवस एक ऐसा दिन है जब हमें उन शूरवीरों को नमन करने का पुनः अवसर प्राप्त होता है और उनसे प्रेरणा लेने का पुनः अवसर प्राप्त होता है। ये शूरवीरों ने हमारे देश के निर्माण में, हमारे देश की रचना में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन सब शूरवीरों को सम्मान देते हुए अगर हम उनका सही मायनों में मान करना चाहते हैं तो जो सपना देश निर्माण का उन शूरवीरों ने देखा था उस सपने को हमें साकार करना है। भारत को मजबूत बनाने में, भारत को इस प्रगति के पथ पर अग्रसर बनाए रखने में आपकी कंपनी बालको ने छोटा ही सही मगर अपना योगदान परिपूर्ण तरीके से दिया है। आपको जानकर खुशी होगी, गर्व होगा। मैं तो ये कहते हुए ही गर्वान्वित महसूस कर ही रहा हूं कि उत्पादन के क्षेत्र में, उत्पादकता के क्षेत्र में जो कीर्तिमान आपकी कंपनी ने स्थापित किए हैं वह विश्व स्तरीय है। इन्हीं को सहराते हुए आपकी कंपनी को सन 2008 में यूके आइडियाज अवार्ड एवं यूरोपियन एल्यूमिनियम अवार्ड से सुसज्जित किया गया। यह इसलिए किया गया क्योंकि बालको फ्यूज टेक्नोलॉजी की कृति भारत एल्यूमिनियम कंपनी के संयंत्रों में हुई और उसको विश्व स्तर पर सराहा गया इन पुरस्कारों के द्वारा। यही नहीं, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट के क्षेत्र में भी जो कार्यक्रम यहां चल रहे हैं, जो कार्य कुशलता का प्रदर्शन आपकी कंपनी कर रही है उसको सराहते हुए गत वर्ष हमें कई पुरस्कारों से सुसज्जित किया गया, जिनमें कि विश्व स्तर पर ब्रिटिश काउंसिल सेफ्टी अवार्ड अपने देश के स्तर पर नेशनल सेफ्टी अवार्ड, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स अवार्ड जैसे कई बड़े और प्रतिष्ठित पुरस्कार आपकी कंपनी बालको को कैटलॉग में मिले।
जैसे कि वेदांत स्कूल के चेयरमैन का एक सपना रहा है, उनका मानना रहा है कि विकास का कोई अर्थ नहीं जब तक वह विकास सबके लिए ना हो। अगर वह विकास केवल एक वर्ग या कुछ लोगों के लिए ही है तो वह कभी भी खुशहाली का वातावरण उत्पन्न नहीं कर सकता, वह एक तरीके से निरर्थक है। इस उच्चतम सोच की दिशा में अग्रसर होते हुए सामुदायिक क्षेत्र में आपकी कंपनी बालको ने अपना उत्तरदायित्व गत वर्ष में भलीभांति निभाया है। कई कार्यक्रम जैसे कि आंगनबाड़ी परियोजना, जहां छोटे बच्चों की देखरेख की जाती है, पाठशालाओं का उन्नयन, जहां पर गांव-गांव में जाकर पाठशालाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, चाहे वो प्रयोगशाला हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो अन्य कोई ऐसी सुविधा हो जो एक अच्छी शिक्षा प्रणाली को संचालित करने के लिए आवश्यक हो, यह बालकों द्वारा दी जा रही है। शासन के सहयोग के साथ कई गांवों में विद्युतीकरण, जैसे कि चुहिया गांवों में सड़कों का निर्माण, गांवों में चिकित्सालय पहुंचाना, डॉक्टर पहुंचाना, मोबाइल हेल्थ लाइन के जरिए दूर दराज के इलाकों में चिकित्सक एवं दवाइयां पहुंचाना, या फिर कैंसर, सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया जैसी भीषण बीमारियों का सामना करने के लिए चलित वाहनों का लोकार्पण करना और चलित वाहन स्कीम का कार्यान्वयन करना, बालकों ने अपने इस कर्तव्य में हमेशा इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया है और इसमें धीरे धीरे आप सबके सहयोग से आपकी कंपनी बालको आगे बढ़ती जा रही है। और ये मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में और अधिक इस क्षेत्र में विकास होगा। बालको के विकास के साथ साथ बालको आप सबके सहयोग से इस दिशा में और अधिक कर्तव्य परायणता से कार्य करने में सक्षम होगी। जो चुनौतियां आज हमारे सामने हैं उनका हम डटकर मुकाबला करें, डटकर सामना करें। आर्थिक संकट की लहर ने पूरे विश्व को घेर रखा है, कई बड़े बड़े देश, कई समृद्ध देश इसकी चपेट में आकर हाहाकार कर रहे हैं। इस समय भारत का हर एक नागरिक अपना योगदान पूर्णतः प्रदान करे। इस आर्थिक संकट की स्थिति में भारत को, अपने क्षेत्र को और अपने कंपनी बालकों को उभारने में, विजय बनाने में जो भी योगदान हम सब दे सकते हैं, यह देना आज हमारा कर्तव्य है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इस क्षेत्र में अपना अपना योगदान देंगे, इस क्षेत्र की समृद्धि के लिए विकास में भागीदारी देंगे और आने वाले समय को ऐसा खुशहाल समय बनाएंगे। हर दृष्टि से ये क्षेत्र हमारे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सब क्षेत्रों में अग्रिम पंक्ति में स्थान पाने लायक होगा, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्रांति का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक बढ़ोतरी का क्षेत्र हो। मैं ये आशा करता हूं कि इस वर्ष भी जो जो
लक्ष्य हमने अपने लिए साधे हैं, उन लक्ष्यों को हम उसी कुशलता से, उसी कर्तव्य प्रायणता से प्राप्त करेंगे जो हमारा पिछले कुछ सालों में प्रतीक रहा है। मैं ये भी आशा करता हूँ कि अगली 26 जनवरी को, अगले गणतंत्र दिवस को जब हम लोग यहाँ दोबारा सम्मिलित होंगे तो पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व ये कहने में समर्थ होगा कि इनके जैसा कोई नहीं। नमस्कार। कार्यक्रम में बालकों के एल्यूमिना संयंत्र एवं खदान स्मेल्टर एक, सीपीपी एक और संयंत्र दो ने मनमोहक झांकियां निकाली। एल्यूमिना संयंत्र एवं खदान तथा स्मेल्टर एक की झांकियों में बालकों द्वारा क्रियान्वित औद्योगिक सुरक्षा उपाय, सामुदायिक विकास, तकनीकी उत्कृष्टता संबंधी प्रतिकृतियां और पोस्टर लगाए गए थे। राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित कर बालकों को गौरव प्रदान किया गया। जीए में हरा भरा वातावरण ताजगी को उत्साह देता, इस तरह वाहन मंच के सामने से अग्रसर। ये आप जो देख रहे हैं दूसरी झांकी जो कि प्रधावक संयंत्र एक की है, छत्तीसगढ़ के औद्योगिक तथा ग्रामीण विकास में बालकों की सहभागिता, बालकों रूपी जहाज, औद्योगिक चिकित्सा, कला, शिल्प, शिक्षा, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर। सीपीपी एक की झांकी में दर्शकों ने पर्यावरण संरक्षण की महत्ता और बालकों द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग संबंधी स्वावलंबन परियोजनाओं का अवलोकन किया। इसका एक छोटा सा उदाहरण, छोटा सा चित्रण आप सभी के समक्ष इन्होंने प्रस्तुत करने की एक कोशिश की है। बिजली अर्थात पावर उत्पादन के पश्चात अंत में बचने वाला उत्पाद राखड़ है और इसे सुरक्षित रूप से दोबारा प्रयोग किया जाना या नष्ट करना बहुत ही आवश्यक होता है ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। साथ ही चिमनी से निकलने वाले हानिकारक तत्वों को भी नियंत्रित रखना निहायत जरूरी होता है। संयंत्र दो की झांकी में वर्ष 2015 की परिकल्पना प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत चंद्रयान, रडार आदि की प्रतिकृतियों का प्रदर्शन किया गया। संयंत्र दो की झांकी के आगे चल रहे नाचा पार्टी के सदस्यों ने अपने नृत्य से दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं महात्मा गांधी के प्रतिरूप बने झांकी दल के एक सदस्य ने दर्शक दीर्घा में बैठे वेदांत समूह एल्यूमिनियम व्यवसाय प्रचालन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी को तिरंगा भेंट किया और श्री गुप्ता सहित अन्य बालको अधिकारियों से मुलाकात कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। चंद्रमा में हमारा एक भारतीय पहुंच जाएगा। केंद्रीय विद्यालय के पीटी शिक्षक श्री के लक्ष्मण राव के नेतृत्व में लगभग 800 बच्चों ने पीटी ड्रिल किया। ताइक्वांडो खिलाड़ी संजय बरेड के नेतृत्व में ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा दिखाई। बालकुनगर स्थित 10 स्कूलों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने गीत, नृत्य और संगीत के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। श्री सूर्य और श्री गुप्ता के अलावा अनेक बालको अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और बालकुनगर वासियों ने कार्यक्रम का आनंद उठाया। Thank you.
श्री सूरी और श्री गुप्ता ने मार्च पास्ट में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर केंद्रीय विद्यालय की बालिका टीम को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। चंद्रोदय ज्ञान मंदिर की टीम ने दूसरा और एमजीएम बालिका की टीम ने तीसरा पुरस्कार जीता। संयंत्र 2 की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता। स्मेल्टर 1 की झांकी दूसरे स्थान पर रही। सीपीपी 1 को तृतीय और अल्मुना संयंत्र एवं खदान की झांकी को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि स्मेल्टर 1 की झांकी ने कोरबा स्थित प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में द्वितीय पुरस्कार जीता। श्री सूरी और श्री गुप्ता ने गणतंत्र दिवस समारोह में भागीदारी करने वाले सभी स्कूलों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। गणतंत्र दिवस के मौके पर बालको प्रबंधन ने शिक्षा, खेलकूद और कला संबंधी 12 प्रतिभाओं को नगर गौरव पुरस्कार प्रदान किए। शशांक डिक्सेना जो कि एमजीएम बालको नगर गौरव पुरस्कार करते हैं और चौथे छात्र हैं मास्टर याकूब अली जो कि बाल पदक बालको नगर गौरव पुरस्कार प्राप्त करते हुए। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र के अतिरिक्त बालको नगर के बालको परिवार में ऐसे श्री मूलध्वज वैष्णव को अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 14 नवंबर 2008 को प्रतिष्ठित गुरु एवं प्रतिभाशाली युवा तबला वादक सम्मान कर्नाटक सरकार के संगीत अकादमी नई दिल्ली से उस्ताद रहमत अली खान मास्टर जोहेब अख्तर खान को जो कि श्री नसीम अख्तर खान नगर गौरव पुरस्कार प्राप्त करते हुए विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था। अब मैं आमंत्रित करता हूँ, ये बहुत ही उत्कृष्ट नृत्यांगना है, इन्होंने कटक में वर्ष 2007 में आयोजित अखिल भारतीय नृत्य स्पर्धा में भरतनाट्यम के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया था। ससम्मान बुलाना चाहता हूँ कुमारी शिवांगी सिंह जो कि आदर्श उत्तर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मास्टर प्रदीप कुमार धृतलहरे को इनके पिता को परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मानव संसाधन प्रमुख वक्त श्री अमित जोशी, संयंत्र 1 के मानव संसाधन प्रमुख श्री विश्वास सक्सेना और प्रबंधक श्रीमती नलिनी अग्रवाल के अलावा श्री रमाकांत पांडे, सुश्री विनोदिनी जे, श्री जेपी शुक्ला, श्री दुष्यंत शर्मा, श्री बसंत शर्मा, श्री नागेश ठाकुर, श्री एनके तिवारी, मोहम्मद कलीम, श्री आशीष शर्मा, श्री केशव के चंद्रा, श्री धीरेन्द्र के साहू, श्री अनूप तिर्की, श्री अजय प्रकाश यादव, श्री विनोद के सी, श्री सुरेश कुर्रे और डॉक्टर रेखा सिंह ने सराहनीय भागीदारी की। कार्यक्रम का संचालन बालको कर्मी श्री व्यास नारायण सिंह और श्री अमित वैष्णव ने किया। बालको प्रबंधन की ओर से आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में कोरबा स्थित प्रशांति वृद्धाश्रम के बुजुर्ग नागरिकों को आमंत्रित किया गया था। श्री सूरी और श्री गुप्ता ने बुजुर्गों से मुलाकात कर उन्हें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर बालको अस्पताल के मरीजों को बालको प्रबंधन की ओर से फल वितरित किया गया। फल वितरण बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता, मुख्य प्रचालन अधिकारी श्री विभू प्रसाद मिश्रा, मानव संसाधन प्रमुख श्री रंजीत लाल, संयंत्र 2 प्रमुख श्री दयानिधि बेहरा और कंपनी संवाद प्रमुख श्री बी के श्रीवास्तव ने किया और मरीजों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं दी। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस सी पंत सहित अस्पताल के अनेक चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी इस अवसर पर मौजूद थे। सीपीपी 1 में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बालको एवं वेदांत एल्युमिनियम लिमिटेड झारसुगड़ा के ऊर्जा प्रमुख श्री शिरीष रंगोले थे। श्री रंगोले, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अलका रंगोले सहित अन्य अतिथियों का स्वागत बच्चों ने पुष्प गुच्छों से किया। श्री रंगोले ने ध्वजारोहण किया। अपने उद्बोधन में श्री रंगोले ने सीपीपी 1 के अधिकारियों और कर्मचारियों को श्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन करने की प्रेरणा दी। As we celebrate the 59th anniversary
I express my sincere gratitude to all the freedom fighters, to the great leaders, and to the authors of the Constitution, whose efforts we adopted on this day in 1950, and because of whose efforts, because of whose sacrifice, that we all are able to breathe in a free air and to be part of the largest democracy of the world. This particular plant has a fairly young team. Number of trainees, number of young engineers. And I thought that I'll use today's opportunity to just send across a message or two to this young team. But as the situation is tough, we must get into the habit of loving the tough times, of enjoying the tough experiences. Nobody likes the pains of toughness, of the severe times, nobody. But unless we learn to love these tough times, will not be able to learn the lessons that we need to in the life. कार्यक्रम में सीपीपी एक प्रमुख श्री गट्टू रामभाव ने कहा कि संयंत्र के अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी मेहनत से संयंत्र को और भी बेहतर बनाएंगे। अपना प्लांट 22 साल का जवान है और nobody of this plant will call it as a 22 years old and will call it as 22 years young. And Rangula sir, my promise on behalf of this entire team is that yes, we will make it 22 years young and we will prove that it is 22 years young baby. And this is our 22 years young daughter and we will take care of this plant as good a 22 years young daughter. That is what you have been talking and what will make it happen. So this much is a promise and assurance on behalf of one and all. सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिसमें प्रतिभागियों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह, हे दाता। ये तो भारत मां की शान है, जिसके साये में समाया हिंदुस्तान है, वो जिसके साये में समाया हिंदुस्तान है। कार्यक्रम का संचालन मैकेनिकल प्रबंधक श्री एम पी सिंह और सहायक प्रबंधक सुश्री शारदा देवांगन ने किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर इंटर कार्यालय में आयोजित समारोह में बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्री गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में श्री गुप्ता ने बालको कर्मचारियों से कहा है कि वे उत्पादन लागत में कमी और तीव्र विकास सुनिश्चित कर दुनिया में बालको को मिसाल बनाएं। उन्होंने आर्थिक मंदी से जूझने के लिए कर्मचारियों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की प्रेरणा दी। आप लोगों ने भारत एल्युमिनियम कंपनी, जो कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है, उसे भी अपनी मेहनत से, कार्यकुशलता से, कर्तव्यपरायणता से उसी विकास के क्षेत्र पे आगे बढ़ाया और उसके लिए अपना सर्वस्व दिया। जो आप लोग कर रहे हैं वह दुनिया देख रही है और उसको सराह रही है। हम जिस तरह से विकास करना चाहते थे उस तरह से, उसी तीव्रता, उसी गति से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। यह सब इसी वजह से है क्योंकि हम लोग साथ हैं, एकजुट हैं और एकजुट होकर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। इंटक के महामंत्री श्री वीके शर्मा ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति में बालको प्रबंधन और इंटक ने उत्कृष्ट सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बालको कर्मी कंपनी की उत्तरोत्तर प्रगति चाहता है। राष्ट्र की उन्नति प्रगति सभी में संघ ने, इंटक ने,
जिस तरह से सहयोग किया है वह सभी के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। हम उसी कड़ी में बालकों की तरक्की को देखते हैं एवं बालकों की उन्नति में हमने सदैव एक ईंट का पत्थर एक ईंट उस बनने का प्रयास किया है। हम अपनी कंपनी, हमने हमेशा कहा कि ये कंपनी हमारी, हम अपनी कंपनी की उन्नति की प्रगति की आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह और दिन दुनी राज्यों की तरक्की करे। इस मौके पर श्री गुप्ता के अलावा मैदान समूह एल्युमिनियम व्यवसाय प्रचालन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी, बालको के मानव संसाधन प्रमुख श्री रंजीत लाल, संयंत्र दो प्रमुख श्री दयानिधि बेहरा, प्रशासन प्रमुख श्री रंजन सरन, औद्योगिक संबंध प्रमुख श्री के आर नायर, स्मेल्टर एक प्रमुख श्री के एन बरनवाल, औद्योगिक संबंध सह महाप्रबंधक श्री एच के भाटिया, मानव संसाधन प्रमुख वर्ग श्री अमित जोशी, संयंत्र एक के मानव संसाधन प्रमुख श्री विश्वास सक्सेना, संयंत्र दो एवं प्रोजेक्ट के मानव संसाधन प्रमुख श्री जीतू मिश्रा, प्रबंधक श्रीमती नलिनी जी अग्रवाल, कार्मिक अधिकारी श्री एम एस धामी सहित अनेक बालको अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम संचालन इंटक के उप महामंत्री श्री व्यास नारायण सिंह ने किया। उपाध्यक्ष श्री जयपाल सिंह ने आभार जताया। बालको नगर के अन्य श्रमिक संगठनों के कार्यालय में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस पर स्कूलों में आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित हुए। सभी ने राष्ट्रध्वज को सलामी देकर देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ ली। मैं आप लोगों को गणतंत्र दिवस का बधाई देता हूँ।